ये दुनिया एक शतरंज की तरह से है, सब अपनी अपनी जगह पर है और फिर शुरू होता है सामने वाले को मारकर जीतने का खेल। स्वार्थ सत्ता इसके सारथी होते हैं, ये मिलती है उन्हें जो प्यादों को शहीद बना शासक बनते हैं। प्यादे की कोई कीमत नहीं है, प्यादे को पता ही नहीं होता कि उसकी बलि दी जा रही है और बलि देने वाले कई बार अपने ही दोस्त, रिश्तेदार और बहुत करीबी होते हैं। हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक प्यादे की कहानी है जो दूसरों के स्वार्थ का शिकार बना। एमएलए साहब से मेरी बात हो चुकी है, बस आपको अपनी मुट्ठी थोड़ी हल्की करनी पड़ेगी, तभी तो अपना लंच कर लो। लगा तभी तो अपना काम बनेगा ना, सबको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना सर, तभी तो कॉम्प्रोमाइज का फायदा होगा। मैं खा लूंगी खाना, आप जाओ। वो मैं पूछ रहा था कि स्वरा को कहीं भेजा है? 3 घंटे पहले मंदिर गई थी अंकित के साथ, अभी तक वापस नहीं आई। पता नहीं कहाँ गई होगी। स्वरा से बात हुई क्या? नहीं, उसके साथ कुछ बात नहीं हुई मेरी। कसम होनार, हाँ? छोछले करने से फुर्सत मिलती है तुम्हें कभी? हाँ? अरे भाई बहन के कुछ पड़ी है कि नहीं तुम्हें? मुझे क्लास के लिए देर हो रहा है। अरे नहीं लग रहा है, स्वरा का फोन अभी भी आ रहा है। कैसे लगेगा, हाँ? कैसे लगेगा? जैसा बाप वैसी बेटी। पता नहीं मंदिर के बहाने कहां चली गई है। तू क्या चित्र को? हाँ वो मुझे आपसे कुछ बात करनी। स्वारा आई थी, अंकित भी था, पार वो रुकी नहीं, भगवान के दर्शन किए और चली गई। कुछ बताया आपको कहाँ जा रही है? कुछ बताया नहीं। दिमाग तो सही है ना आपका, इन्हीं को बता के जाएगी वो। चल निकल यहाँ से, निकल निकल निकल, इस बार छोड़ रही हूँ, अगली बार मेरे घर के आसपास नजर आई ना मैं जान से मार दूंगी। आप मेरी बात तो समझिए, हाँ मुझे गलत समझ रही है। मुझे कुछ सुनना समझना नहीं, निकल यहाँ से, यहाँ दोबारा नजर आई ना मैं यही गाड़ दूंगी। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनो। हेलो, मेरे घर के बाहर खड़ी है, जल्दी बोलो क्या करना है। जी सर, जरूर। जय हिंद सर। एमएलए साहब का फोन था, अगर आप लोग अप्रोच नहीं भी लगाते तब भी हम आपका काम करते हैं। शिरके, स्वरा और अंकित की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। आपको किसी पे शक है? कोई ऐसा है जिसकी आपसे दुश्मनी हो या आपके बच्चों से? नहीं सर। कौन से कॉलेज में पढ़ती है स्वरा? सर बालूमती कॉलेज में। उसका कोई बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, मतलब मेरी बच्ची ना ऐसे ये बॉयफ्रेंड विफ्रेंड बनाने वाली लड़कियों में से नहीं है, एकदम गायब है मेरी बेटी। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बेटी को गायब हुए मुश्किल से 7-8 घंटे हुए हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ कोई हादसा हो गया? हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं गई हो। स्वरा के लिए 7-8 घंटे भी बहुत है, वो 10 मिनट भी बिना बताए कहीं नहीं जाती है। वो आजकल के बच्चों की जैसी नहीं है, बहुत सीधी सादी बच्ची है। क्या चाहिए आपको? आपकी उम्र 21 साल पूरी है? 22 साल की हो गई। अगर वो सीधी है तो फिर टेढ़ा कौन? मिस्टर देवधर, इतनी सीधी लड़की अचानक से गायब हो जाए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी, हो सकता है उसका किसी से झगड़ा हुआ हो। ऐसा कैसे हो सकता है सर, मेरी बच्ची तो घर में भी अपनी चीज के लिए कभी मुंह नहीं खोलती,
वो बाहर किसी से क्या झगड़ा करेगी? हम मिडिल क्लास लोग हैं, बिल्कुल सर झुका के नाक के सीध में चलते हैं, ना बुरी आदत पालते ना संगत, घास फूस खाने वाले लोगों के खून में कहाँ से गर्मी होगी सर। मैम आपको मिस्टर देवधर, सीधे लोगों को बात सीधा दिल पे लगती है, हो सकता है ऐसी कोई वजह हो और वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई हो। स्वरा हमारी इकलौती बेटी है सर, और सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, ख्याल भी रखते हैं उसका। मुझे नहीं लगता कि वो घर छोड़ के जाएगी, पक्का वो किसी ना किसी मुसीबत में होगी। शिरके, स्वरा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकालो। ओके सर। स्वरा को जानते हैं आप? मैं क्या साहब, यहाँ पे हर एक इंसान उसे जानता है, हर रोज मंदिर में आती है, बहुत ही प्यारी और सीधी बच्ची है। बहुत शान स्वभाव की है साहब, हमारी दुकान से फूल लेती थी। क्या आज आई थी? हाँ साहब आज आई थी, रोज की तरह अच्छी भली दिख रही थी, पर जाते समय दुखी लग रही थी, रोते हुए गई। और हाँ साहब, चेहरे पे मार का निशान भी था। तुमने पूछा ना उसको कि क्या हुआ है? आवाज दी थी साहब, पर वो रुकी नहीं। कोई छोटा बच्चा था उसके साथ? हाँ साहब, आई तब उसका छोटा भाई था साथ में, पर जाते हुए नहीं था। मतलब फूल वाले के हिसाब से अगर स्वरा यहाँ से अकेली गई है तो अंकित के आसपास होना चाहिए। सर, अंकित के बारे में सब जगह पूछा, किसी को कुछ पता नहीं। सर कुछ पता नहीं चला। आपके बच्चों में कोई सिबलिंग राइवलरी है? मेरा मतलब है कोई मनमुटाव? नहीं सर, वो तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि मंदिर के लोगों ने कहा है कि स्वरा वहाँ से अकेली चली गई थी, उसके साथ काफ़ी मारपीट भी हुई थी, उसके बाद उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा और अपने छोटे भाई को वहाँ मंदिर में अकेला छोड़कर चली गई। कुछ तो हुआ है स्वरा और अंकित के साथ, अब देखना यह है कि क्या वो खुद से गायब हुए हैं या उन्हें गायब करवाया गया। क्या वाकई इस केस की जड़ में सिबलिंग राइवलरी थी? अंकित और स्वरा के मिसिंग केस में आखिर अपराधी था कौन? क्या ये दोनों किसी जुर्म का शिकार हुए थे? अंकित की कोई खबर नहीं थी और स्वरा रास्तों पर भटक रही थी। चाहती क्या थी वो? क्या हुआ था उसके साथ? क्या वो किसी दुविधा या किसी गुनाह का शिकार थी? ये केस सिर्फ एक मिसिंग केस था या फिर कोई और शक्ल इख्तियार करने वाला था? जो बोलना है बोलो, 15 मिनट से तुम गुमसुम बैठी हो, बोलो क्या बात है? ठीक है, कोई जल्दी नहीं, जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगी तब बताना। तुम बैठो, मैं आता हूं। आओ, काय करता है तुम? वेट लग रहा है तुम्हारा? नहीं, मौके का फायदा उठा रहा हूँ, उसकी लॉटरी को आज यही खत्म कर दूंगा, फिर देखता हूँ क्या राग देती हो मुझे। अच्छा, लेकिन अगर हमने बच्ची को हमारे अपने घर में मारा तो पुलिस हमें आसानी से पकड़ सकती है, फिर तो उसे लॉटरी की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो क्या करूँ, जाने दो उसे? हाँ, अभी उसे यहाँ से जाने दो, बाहर जाने के बाद आपको जो मन में आए वो करना, लेकिन यहाँ इस घर में नहीं। नहीं, समझ गया। सर, किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई अपडेट नहीं है,
बस डेपो, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर भी मैंने स्वरा और उसके भाई अंकित की फोटोज और स्वरा के स्कूटी के डिटेल्स, मतलब कलर, नंबर, सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। और कॉल डिटेल्स? सर अब तक नहीं मिले, लेकिन थोड़े टाइम में आ जाएंगे। स्वरा के फ्रेंड्स एंड फैमिली का क्या कहना है? सर वहाँ इंक्वायरी चल रही है। सर वो 3-4 दिन से कॉलेज ही नहीं आ रही, नहीं तो वो रोज आती थी। सर वो लड़कियों से बात नहीं करती, लड़कों से क्या बात करेगी? कोई बॉयफ्रेंड था उसका? सर कॉलेज के सारे लड़के उसे काकूबाई बुलाते थे, कौन अफेयर करेगा उसके साथ? एकदम पड़ाकू टाइप की सीधी सादी लड़की थी वो, और प्रोफेसर की भी फेवरेट थी। सर आज के जमाने में मैंने ऐसा शांत बच्चा कभी नहीं देखा। आंख मूंद कर अपने माँ बाप की बात मानने वाली, अपने टीचर्स की बात मानने वाली लड़की है वो। तुम हो वो मजबूरी जिसने मेरी बेटी से घर छुड़वा दिया, तुम्हारी जिद की वजह से गई वो। गप्पा बसा और मुंह बंद रखो अपना। पता नहीं तुमने जो कहा मैंने किया, कुत्ते की तरह तुम्हारी हर बात मानी है मैंने। कोई ऐसा नहीं किया, कोई ऐसा नहीं किया। ये सब ना तुम्हारे करतूत की सजा है। सारा पैसा, सारा सारा बिजनेस उस औरत के पीछे लुटा दिया तुमने, अब इतना भिखारी डालो ना। और तुम ये जो बता रहे हो ना स्वरा के पीछे मेरी जबरदस्ती, ये एक आखिरी तरीका है हमें बचने के लिए। मेरी गलती की सजा मुझे दो, मेरी बेटी को नहीं। ये ड्रामा मेरे सामने मत करना, ये बातों में फिक्र दिखाना ना बहुत आसान है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हम सबके लिए कर रही हूँ। और एक बात याद रखना, अगर स्वरा नहीं मिली ना तो हम सबको कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। मेरी बेटी को बलि चढ़ाने से अच्छा है हम लोग भीख मांग के खाए। एक बार कहा ना मुंह बंद तो मुंह बंद। ये बदतमीज लड़की पता नहीं कहां चली गई है, खुद तो गई और अपने भाई को भी लेके गई है। सर स्वरा के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है कि इस नंबर से स्वरा के मोबाइल पर काफी बार फोन आया है। किसी पर्सनल आईडी पर ये नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि प्रधान कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर ये नंबर रजिस्टर्ड है। और एक सिम नहीं लिया गया था, बल्कि बल्क में सिम कार्ड लिए गए थे। 10 बजे ऑफिस खुलता है, उसके बाद इस नंबर के डिटेल्स मिल जाएंगे। ये कंपनी का मालिक कौन? रमाकांत प्रधान और अनुज प्रधान के नाम पर ये कंपनी रजिस्टर्ड है। और ये देखिए सर, स्वरा के मोबाइल से आखिरी कॉल उसके भाई पुष्कर को किया गया था। कैसा रिश्ता था तेरा अपनी बहन के साथ? मतलब कोई झगड़ा, मन मुटाव? नहीं सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अच्छा, तो तुम्हारे प्यारी बहन ने तुम्हें लास्ट कॉल किया था मंदिर से। देख सब कुछ सच बता, क्या दिक्कत है तुझे तेरी बहन के साथ? कहाँ छुपाया उसे, कहाँ गायब करके रखा है? सर अब जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे स्वरा ने कॉल किया था ये बात बताने के लिए कि अंकित को घर ले जाओ, बस इतना ही। अंकित भी तो गायब है। मतलब तूने स्वरा और अंकित दोनों को गायब किया? सर मैंने किसी को गायब नहीं किया है। एक्चुअली वो मैं दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता था, इसीलिए मैंने स्वरा को इग्नोर किया। बस मुझे नहीं मालूम था ये दोनों गायब होने वाले हैं। साबित कर सकता है तू सच बोल रहा? सर आप मेरे दोस्तों को पूछो। अगर छुपाने वाली कोई बात नहीं थी तो कल क्यों नहीं बताया? सर मैं बताने वाला था लेकिन आई से डर गया। आज ना मैं तुम्हारी खाई भरने वाली, समझे? हाँ, भूखे के खाने की आदत पड़ गई ना सबको। अरे अरे थोड़ा तो सोचो तो, वो छोटा बच्चा कहाँ जाएगा? हाँ बोलो कहाँ जाएगा? अरे कम से कम आज अंकित घर पे तो होता, तुम्हें तो बहुत चर्बी चढ़ी है ना, ऐसे उतरने वाले ना। आई 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 मन माफ कर प्लीज। माफ कर, का माफ कर? हाँ माफ कर, तुम्हारी ये माफी हमें सड़क पे लाएगी अगर स्वरा नहीं मिली तो। सच सच बता स्वरा से तुम्हारी क्या बात हुई थी? मैं बहुत डर गया था, मुझे नहीं मालूम था ये दोनों गायब होने वाले। अंकल पाव भाजी चाहिए। पैसे लाए हो? पैसे नहीं है। जाओ पैसा लेके आओ, जोरों की भूख लगी। जाओ इधर से पैसा लेके आओ। कौन है तुम लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो? कौन है? देखो ने
स्वरा ने पुष्कर को फोन करके अगर सिर्फ अंकित को ले जाने को कहा तो इसका मतलब है कि स्वरा जहाँ गई है अपनी मर्जी से गई है। शिरके मुझे किडनैपिंग का केस नहीं लगता। सर मुझे लगता है कि स्वरा के साथ मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसमें स्वरा की मर्जी से निकल जाने की वजह है, और यह वजह स्वरा के अलावा सिर्फ अंकित जानता है जिसकी हमें अभी तक कोई खबर नहीं। हेलो पुलिस, सर अंकित मिल गया। बेटा अंकित आप तो मंदिर में थे ना, फिर फुटपाथ पे कैसे पहुंचे? अंकल ताई ने बोला था कि भाऊ लेने आएंगे, इसलिए मैं मंदिर में ही बैठा था, पर भाऊ लेने नहीं आए। मुझे लगा कि मैं घर चला जाता हूँ, पर मैं रास्ता भूल गया। जब बहुत देर हो गई तो मुझे लगा भाऊ आके गए होंगे, पर भाऊ ने आई को कंप्लेंट की कि मैं मंदिर में ही नहीं था, और मुझे लगा कि आई डांटेगी, इसलिए मैं बाहर ही यहाँ वहाँ घूमता रहा। जब आप स्वरा दाई के साथ मंदिर गए तब वहाँ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, हम मंदिर गए, दाई ने दर्शन लिए, हम वापस आ रहे थे, फिर वहाँ चले। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। चलो चलो चलो। ये अनुज कौन है? सर वो स्वरा का फियांस है। बेटा आप जाके खेलो। तो स्वरा की शादी तय हो चुकी है, आपने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमसे छुपाई क्यों? नहीं आम्ही लपवली नहीं गोष्ट, मतलब उस वक्त एक तो याद नहीं रहा और उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा हमें कि इन सब से, मतलब स्वरा के गायब होने से इसका कोई लेना देना होगा। लेकिन अब तो इम्पोर्टेंट लग रहा होगा ना, उसने हाथ उठाया आपकी बेटी के ऊपर। क्या आप भी? सर छोटे मोटे झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं ना, पर अनुज का स्वरा के गायब होने से क्या वास्ता? आपको भी ऐसे लगता है? सर मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरी बेटी गायब हो गई, इसके बगैर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर प्लीज आप मेरी बेटी को ढूंढो। सॉरी मिस्टर देवधर, अब मुझे भी लगने लगा है कि ये पुलिस का केस नहीं है, आपके घर का मामला है। बेटी और दामाद के बीच कुछ नोकझोंक हो गई और स्वरा अपनी मर्जी से कहीं चली गई, और स्वरा बालिग है इसलिए पुलिस का केस भी नहीं बनता। हेलो सर, धार धार तलवार से वार किया गया है, और एक दो बार नहीं लगभग 15-20 बार वार किया गया है, और सिर्फ बॉडी पर ही वार नहीं है, लड़की के माथे पर भी एक गहरा घाव है। लड़की की फैमिली को इन्फॉर्म करो और आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। यस सर। सर ये बॉडी के पास जो पर्स मिला है उसमें स्कूटी का चाबी है। लड़की ने जैसा ड्रेस पहना था उसके ऊपर दुपट्टा होना चाहिए या नहीं? यस सर। मनोज ये दुपट्टा किसका है? अरे आई वो एक लड़की को मदद कर रहा था उसी का छूट गया। मनोज तुझे बाहर कहीं चल रहा है का? कुछ उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कर रहे हो?
आई काय बोलती है, भरोसा नहीं है क्या अपने बेटे पे? टेंशन मत ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा तू टिफिन भर, मुझे ऑफिस जाना है। अपने बाबा को छोड़कर ऐसे ही चले गए। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे। आइए सर, जिसने भी मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह से मारा है, आप उसको छोड़ना नहीं, सजा देना उसको, फांसी पे चढ़ा देना साहब, उसको फांसी पे चढ़ा देना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस फरा को न्याय मिले। हाँ मैं गया था उस दिन मंदिर में उससे मिलने, लेकिन उससे बातचीत करने के बाद मैं वहां से निकल गया था। बातचीत करके या मारपीट करके? देख सच हमें पता है, लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। सच बोल, क्या हुआ था उस दिन मंदिर में? सर मेरी उससे शादी होने वाली थी, और वो एकदम ऐसी डरपोक लड़की थी। मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना मेरे फियांसे से, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, वो उन जरूरतों को समझ ही नहीं पाती थी। मैंने भी उसे कहा, समझाया कि मेरी जरूरतों को समझे, मेरी एक्सपेक्टेशंस को समझे, लेकिन वो समझती ही नहीं थी। और यही बात करने में उस दिन उससे मंदिर में मिलने गया था, और गुस्से में मेरा उस पर हाथ उठ गया, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसके बाद मैं वहां से निकल गया। वहां से तो निकल गया, लेकिन जब तक केस सॉल्व नहीं होता शहर से बाहर मत जाना। देवधर फैमिली और अनुज की कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ है। बाप छाती पीट पीट के रो रहा था और माँ की आंख में एक आंसू तक नहीं, और ये अनुज भी सच बोल रहे हैं या झूठ कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर ये स्वरा के कैरेक्टर के बारे में अब तक जो बातें सामने आई है, उसे तो यही लगता है कि ये जिन एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है स्वरा कभी समझ ही नहीं सकती थी, और इसीलिए गुस्से में अगर ये उसके ऊपर हाथ उठा सकता है तो और भी बहुत कुछ कर सकता है। इसके कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। अगर ये स्वरा के साथ खुश नहीं था तो किसी न किसी के साथ तो खुश होगा। इसकी उस खुशी का पता हमें उसके कॉल रिकॉर्ड से चल जाएगा। ओके सर। स्वरा का कत्ल जिस अमानवीय तरीके से किया गया था उसे देख कर लगता था कि जैसे कोई उससे गहरी नफरत या दुश्मनी पाल कर बैठा था, और मौका मिलते ही उसने अपना बदला ले लिया। लेकिन ये बदला लेने वाला आखिर था कौन? सीधी सादी स्वरा का कोई एक तरफा आशिक या अनुज, या फिर वो लोग जिनसे वो उस दिन मिलने गई थी? ये सभी किसी न किसी बात से स्वरा से नफरत करते थे, लेकिन इनमें से वो कौन था जिसकी नफरत का पैमाना जानवर को भी मात देता था? और वो लड़का कौन था जिसके पास स्वरा का दुपट्टा था? आई, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। तुम्हारे भूखे रहने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज खाना खा लो। तुम सब भी अब भूखे रहने की आदत डाल लो, पता नहीं कितने दिन नसीब में होगा खाना। इस स्वरा की मौत ने ना हम सबको सड़क पे ला दिया है, अब तो बर्बाद होने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तुम्हारी जैसी औरत को तो रुको, बेटी के मरने का दुख नहीं है, पैसे हाथ से जा रहे हैं उसका दुख है। जबरदस्ती पैसों के लिए उस नीच से शादी करा रही थी ना, तुमने मारा मेरी बेटी को। मैं नाटक कर रही हूँ या तुम नाटक कर रहे हो? बेटी की शादी जबरदस्ती तय करनी पड़ी, उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। कितना कमाते हो बोलो ना, कितना कमाते हो, कैसे उतारोगे कर्जा सब? भाई पापा तो शांति बसाना, सर स्वरा के स्कूटी का पता चल गया। सनसाइन सोसाइटी के पार्किंग लॉट में स्वरा की स्कूटी मिली है, लगता है पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से स्वरा ने स्कूटी वहां पार्क की होगी। सनसाइन सोसाइटी में पूछताछ की? हाँ सर, पूरी सोसाइटी स्कैन की। सर कुलदीप देवधर स्वरा के चाचा है। इस
कुलदीप के बारे में तो देवधर फैमिली ने हमें नहीं बताया। चलो अब जानते हैं। हाँ सर, स्वरा यहाँ आई थी, कुछ 10-15 मिनट रुकी और फिर चली गई यहाँ से। तो उसने आपसे बताया नहीं कि वो यहाँ क्यों आई थी? सर मैंने उसे पूछा था पर उसने कुछ बताया नहीं। 2 दिन से आपकी भतीजी गायब थी, कल उसका बहुत बेरहम से कत्ल हुआ और आप शोक मनाने के लिए आपके भाई के घर पर भी नहीं गए, क्यों? सर एक्चुअली काफ़ी टाइम से हमारी बोलचाल बंद है, बनती नहीं हमारी आपस में, बिजनेस को लेकर काफ़ी इश्यूज हैं हमारे बीच में। अरे बेच देना ये फैक्ट्री मुझे, दे देना, बंदी तो पड़ी है, मेरे पास पैसे हैं, मैं चालू करूँगा इसे। आपके पास पैसे हैं मतलब? इनके पास पैसे नहीं है? आप क्या हमें हमारे औकात दिखा रहे हो क्या? मैं दिखाऊँ आपको आपके औकात? फैक्ट्री तो जरूर खुलेगी। और पैसे कहाँ से आएंगे? फैक्ट्री तो जरूर खुलेगी बोलने से फैक्ट्री थोड़ी ना खुलेगी। आएगा, पैसा भी आएगा, और जितना पैसा तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा ना उतना पैसा आएगा। मेरे स्वरा की शादी हो रही है और वो भी ऐसे घर में कि ऐसी एक क्या 10-10 फैक्ट्रिया एक दिन में खुल सकते हैं। मतलब रीढ़ की हड्डी है नहीं और बेटी को बेचने का प्लान बना लिया? तुझे जो करना है कर, पर ये जगह मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर महेश के पास पैसा आता तो वो जमीन तुम्हारे हाथ से चली जाती और इसीलिए तुमने स्वरा को मार दी। हमने स्वरा को नहीं मारा, वो सचमुच यहाँ से चली गई थी। उसे तो उस पनौती घर ने और उसकी माँ ने ही मारा होगा। उसके होते हुए तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। अरे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है वो औरत। स्वार्थ तो तुम्हारा भी था स्वरा को मारने में। नहीं सर, हम सच कहते हैं, वो यहाँ से चली गई थी। सर बिल्डिंग के सीसीटीवी में स्वरा के घर में आने और जाने के दोनों की फुटेज मिल गए। जाते वक्त स्वरा ने स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की मगर उससे स्टार्ट नहीं हुई, इसके लिए स्कूटी को वहीं पे छोड़ के चली गई। इसका मतलब है कि कुलदीप सच बोल रहा है? नहीं सर, सीसीटीवी फुटेज में और भी कुछ मिला है। स्वरा जब यहाँ से गई कुलदीप उसी वक्त उसके पीछे गया था। आपने 10 बार बताया कि स्वरा यहाँ पर आई थी और यहाँ से वापस भी चली गई, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि उसके जाने के बाद आपने उसका पीछा किया था। हाँ सर, क्योंकि मैंने उसका पीछा नहीं किया था, मैं तो अपनी फैक्ट्री पे गया था। ये कुलदीप सच बोल रहा है, वो स्वरा के जाने के बाद सीधा अपनी फैक्ट्री गया था, वही रात भर रुका था। सर मुझे लगता है कुलदीप ने खून किया नहीं, करवाया होगा, क्योंकि जमीन के मामले में उसने कहा था कि वो कुछ भी कर सकता है और इसलिए उसने स्वरा को मारा होगा। सर अनुज के कॉल रिकॉर्ड्स और स्वरा के PM रिपोर्ट, ये अनुज ने इस नंबर पे कई बार बात की है। किसका नंबर है? सर ये कोई प्रियंका नाम की लड़की है, उसके नाम पे रजिस्टर है। शिरके जरा पता करो ये प्रियंका और अनुज का क्या कनेक्शन है। ओके सर, और एक बात सर, हमारे इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि स्वरा ने अपने फियांसे को कभी हाथ तक लगाने नहीं दिया, लेकिन PM रिपोर्ट के मुताबिक वो कुंवारी नहीं थी। ये प्रियंका कौन है? प्रियंका कौन? प्रियंका? मैं किसी प्रियंका को नहीं जानता। तुम्हारा रॉन्ग नंबर लगा, वो तुमने सेव कर लिया और दिन में 10 बार उसके ऊपर फोन कर डाले। चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं, हमने तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, घर, ऑफिस, कंपनी, आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि तुम्हारे मोबाइल के रिकॉर्ड्स भी हमने निकलवाए। प्रियंका तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, यह हमें पता है। सच बोल। सर प्रियंका मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन इस बात का स्वरा के गायब होने से कोई लेना देना नहीं। शादी पक्की हो जाने के बावजूद भी तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्टैक्ट है, ये बात स्वरा को पता चल गई। उसने तुमसे जवाब मांगा और तुमने बदले में हाथ उठाया, मर्डर कर दिया उसका। सर मैंने स्वरा से कभी छुपाया नहीं था कुछ, वो जानती थी सब, इसीलिए सवाल जवाब की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सर मैंने ना उसे गायब किया है ना उसे मारा है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ मेरी उससे क्या प्रॉब्लम थी, वो एक होने वाली बीवी का फर्ज निभा नहीं पा रही थी, इसलिए प्रियंका को मैंने एक ऑप्शन की तरह रखा था। जी जी कहिए। अंदर आ सकते हैं? स्वरा देवधर को जानती हो तुम? नहीं सर। कमाल है, अनुज को जानती हो लेकिन स्वरा को नहीं जानती। अच्छा ये बताओ कुछ दिन पहले स्वरा यहाँ आई थी क्या? नहीं सर।
ये खून के धब्बे यहाँ कैसे? हाँ सर, वो यहाँ आई थी और उसके और मेरे बीच में बहुत झगड़ा भी हुआ था अनुज को लेकर। तेरी हिम्मत कैसी आने की? हाँ, एक तो तेरी वजह से अनुज और मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, तो यहाँ पर है। मेरी बात तो सुनिए, मुझे सच में शादी नहीं करनी है। तू यहाँ महान बनी है, मुझे बेवकूफ समझती है कि तेरी बात सुनकर मैं अनुज को छोड़ दूंगी? मैं कोई महान बन बनने नहीं आई। तू मेरी बात सुन, तू चाहे अनुज की बीवी बन जा, लेकिन अनुज सिर्फ ना मेरा रहेगा, समझी ना? तू अनुज को मुझसे एक पल भी दूर निकल। चल निकल, निकल। एक लड़का जिसकी शादी तय होने वाली है, उससे रिलेशन रखने की कोई खास वजह? नहीं सर, वो स्वरा से नहीं मुझसे प्यार करता है। अगर वो मजबूर नहीं होता ना, तो कभी शादी नहीं करता स्वरा से। तुम्हें यकीन है कि अनुज ने रेप नहीं किया? हाँ सर, रेप अनुज ने किया, मगर अपनी मर्जी से नहीं, किसी के कहने पर। सर मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, मुझे ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का लालच दिखाकर रेप करवाया गया था। किसने करवाया? कितना अच्छा हो अगर हमारी स्वरा के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। हम तुम्हारे काम आ जाए और तुम हमारे काम आ जाए। देखो ये ऐसा है ना कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हूँ और उसके बदले तुम मुझे अब मेरे बिजनेस के लिए पैसा दे सकते हो। हमारी स्वरा तो गाय है, गाय जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेगी बिना मुंह खोले। क्या स्वरा इस शादी को लेकर मानेगी? और मिस्टर महेश, त्यावर पण तोडगा आहे माझ्याकडे, ये लो। क्या है इसमें? आज तुम्हारे यहाँ जो वैलेंटाइन्स डे की पार्टी है ना, मैं स्वरा को वहां पे भेज देती हूँ किसी ना किसी बहाने, ये उसे पिला देना, फिर जोर जबरदस्ती करके उसका रेप करना और महान बन के शादी का प्रपोजल लेके आना हमारे यहाँ। तो फिर महेश और स्वरा के पास हाँ बोलने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचेगा। उसने जैसा कहा था मैंने किया, मैंने फायदा उठाने की, डबल क्रॉस करने की कोशिश की, पर कविता बहुत चालाक निकली, तो उसने मुझे इस रेप में फंसा दिया और शादी की। मनोज जो उनके बेटा, बेटा मैंने वो दुपट्टा धोके इस्त्री करके रखा है, जिसका है उसे दे देना, ठीक है? अरे तुम क्यों हमेशा अपनी चलाती हो? कोणी सांगितलं होतं धुवून इस्त्री करायला? अरे पण इसे मारकर मुझे कोई दुख नहीं, इसे तो बहुत पहले मुझे मार देना चाहिए था। अपनी बेटी का रेप करा है इसने, सिर्फ पैसों और झूठी इज्जत के लिए। ये क्या हो रहा है? एक में से दूसरा और दूसरे में से तीसरा केस शुरू हो जाता है। सर अनुज की दोनों बातें सच साबित हुई है, स्वरा के ऊपर रेप करने वाली बात भी, और जिस वक्त स्वरा का कत्ल हुआ उस वक्त वो ऑफिस में कॉन्फ्रेंस में था। फिर कौन हो सकता है? और स्वरा स्कूटी छोड़ के मर्डर वाली जगह पे पहुंची कैसे? हेलो, हाँ ओके ठीक है। सर स्वरा का कत्ल जहां पर हुआ उसके सामने वाले बैंक के सीसीटीवी फुटेज में स्वरा किसी कार से उतरते हुए दिखाई दे रही है, और सर गाड़ी का नंबर है MH02FR6343, और ये कार किसी मनोज बागवे के नाम से रजिस्टर्ड है। मनोज बागवे? हाँ सर, वो लड़की मेरे कार में बैठी थी, लेकिन मेरे उससे कोई पर्सनल जान पहचान नहीं थी। बहुत रात हो चुकी थी और वो लड़की अकेली सुनसान रास्ते पे खड़ी थी, इसीलिए मैंने उसे लिफ्ट ऑफर की। सर मुझे लगा कि वो लड़की बहुत देर से किसी व्हीकल के लिए खड़ी थी, इसीलिए इंसानियत के नाते मैंने उसे मदद की थी साहब। उसने बहुत पी रखी थी और वो बहुत दुखी थी, और उसी नशे में उसने मुझे पूरी दुख भरी कहानी सुनाई।
क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, बहुत सी प्रॉब्लम है। आई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तुम्हें पता है मेरी आई ने मेरा रेप करवाया, जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। और वो अनुज, वो कहता है अगर मैं उसके साथ नहीं सोई तो मुझे शादी तोड़ देगा। और मैं बेवकूफ अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, सब मुझे एक चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं अपनी चाय पूरी करने के लिए। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, इसलिए आज मैंने वो सारे काम किए जिससे मुझे खुशी मिलती। आज मैंने चिकन खाया, दारू पिया, सब किया जो मेरे घर में पाप है, पर कोई फायदा नहीं, कोई शांति नहीं मिली। इस जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी आई ने। सर उसके बाद मैंने उसे रिक्शा स्टैंड पे छोड़ दिया, वो बोली यहाँ से मैं चली जाऊंगी, और उसके बाद तो मैं सीधा अपने घर चला गया। उसका दुपट्टा मेरे गाड़ी में कैसे छूट गया मुझे नहीं पता सर। हाँ आई, हाँ कभी 5 मिनट पहुंचते घर। हाँ तो पेपर में लड़की की फोटो देखने के बाद हमारे पास क्यों नहीं आया? सर मैं बहुत डर गया था। ऑटो स्टैंड पर जाके पूछताछ करो, पता करो उस रात स्वरा को कौन सा ऑटो वाला ले गया। ओके सर। इसे देखा है? अरे भाई साहब इस लड़की को देखा है? अरे सुन बारा, इस लड़की को देखा है? हाँ साहब, ये वो दिन आई थी पर मैंने भाड़े के लिए ना बोला तो वो चली गई। जैसे वो चली गई उसके पीछे पीछे एक लाल कार भी गई। मतलब उस सीसीटीवी फुटेज में वो लाल कार भी होगी। इन्हें जानते हो? हाँ सर, ये तो मेरी मंगेतर है तन्वी। सर 2 साल पहले हमारी सगाई हुई थी, शादी के लिए रुका था क्योंकि पहले सोचा काम धंधा सब सही हो जाए फिर शादी कर लेते हैं। सॉरी मनोज, अब शादी के लिए तुम्हें दूसरी लड़की ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि इनकी गृहस्थी तो अब जेल में बसेगी। सर मनोज के कार के पीछे जो लाल कार थी वो इन्हीं दोनों की थी और उस वक्त ये दोनों उस कार में ही थे। सर सगाई को 2 साल हो गए थे, मनोज अब भी शादी टाल रहा था। कभी सेटल हो जाऊं, मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं। जब देखो तब 1000 बहाने होते थे उसके पास। मुझे शक होने लगा कि जरूर उसका बाहर कोई अफेयर चल रहा है। और फिर उस दिन हमने उसका पीछा किया, उसने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर देर दोनों साथ रहे। जल्दी चलाना, आज मुझे भी देखना है ये लड़की कब तक इसके साथ रहती है। आज कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। और फिर इसने उसे ड्रॉप करके चला गया, मेरी खोपड़ी सट गई उसे देख के। फिर मैंने भी डिसाइड किया जिसने मेरा घर बर्बाद किया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तन्वी शक एक बीमारी है और उस बीमारी की वजह से तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली। मनोज का उसके साथ अफेयर तो क्या, वो उसका नाम तक नहीं जानता था, वो तो बस इंसानियत का फर्ज निभा रहा था और तुम दरिंदगी का। खैर अब तुम लोग अपनी सही जगह जा रहे हो। इंसान संयुक्त परिवार से एकल परिवार और एकल से अकेलेपन पर पहुंच गया है जहाँ एक ही छत के नीचे किसी के पास किसी का दुख बांटने का वक्त नहीं है। आजकल पैसा इंसान से ज्यादा अहमियत रखता है,
सब कुछ बदला सिवाय द्वेष, ईर्ष्या और संदेह जैसी भावनाओं के, जिसका शिकार बनी स्वरा। तन्वी और मोहित को स्वरा के कत्ल के लिए और महेश को कविता के कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। अपने आप को व्यक्त करना और दूसरों की बातों को कुछ हद तक मानना बेहद जरूरी है, वरना कोई अपना या पराया कब हमें प्यादे की तरह इस्तेमाल कर जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सवा केक को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।